हमारे ड्राइवर चाचा और ये हमारे यहाँ 10 साल से काम करते हैं। अरे चाचा मुझे दे दीजिए, मैं रख दूंगी घर में। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं रख देता हूँ सामान, छोड़ो। इज वेरी स्वीट बट डोंट वरी, आज की कहानी भी टीनेजर्स पर ही है। मेरी ड्राइवर चाचा की बेटी जो अपने फर्स्ट टीन ईयर में एंटर होने वाली है। ये लीजिए चाचा। थैंक यू बेटा। बेटा कल थोड़ा ज़्यादा काम है, तो राधा को कल यहीं छोड़ जाऊँ? वो यहाँ बैठ के पढ़ाई भी कर लेगी। हाँ चाचा बिल्कुल छोड़ जाओ, मुझे भी 1 महीना हुआ है राधा से मेरे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो यहाँ आएगी तो। थैंक यू बेटा, बाय। हाय राधा। हाय आरुषि दी। आज की स्टोरी इस प्यारी सी टीन गर्ल पर। आओ ना। और कैसी हो तुम? तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? हाँ 1 हफ्ते में मैं टीनेजर बन जाऊंगी, पूरे 13 टीन्स, स्पेशली फर्स्ट टीन ईयर। सो एक्साइटेड। एंड क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं दीदी, सब थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है। ये लो स्टमक दर्द की मेडिसिन दे दूं? कैसा फील हो रहा है? कुछ गलत खा लिया था क्या? नहीं दी कुछ नहीं, मैं बस मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ क्या? हाँ जरूर, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ। क्या लगता है आपको क्या हुआ है राधा को? ये खून, राधा कुछ चाहिए? नहीं दीदी कुछ नहीं, मैं बस आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम रो रही थी क्या? सब कुछ ठीक है ना राधा? हाँ दीदी सब कुछ ठीक है, मैं अपना होमवर्क खत्म कर लेती हूँ, आप भी अपना काम कर लो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अरे नहीं इसमें परेशानी की, कुछ हुआ है ना? जमीन पर क्यों बैठी हो? ऊपर बैठो ना। नहीं दीदी यहाँ ठीक है। साधा पर मुझे अपना होमवर्क खत्म करना है। ओके मुझे भूख नहीं है। लेकिन राधा मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। राधा का है, वो भी खाना खा लेती। पता नहीं भाई, जब मैं लास्ट कमरे से निकली तब वो सो रही थी। वो ना आज सुबह से ही बहुत परेशान सी लग रही है। मैंने उसे रोते हुए भी सुना था शायद, पर जब मैंने उससे पूछा तो वो बोली कि आपको मिस्टेक हुई है। वो तो सोफे पर भी नहीं बैठ रही थी, सुबह से बस एक ही पोजीशन में बैठी हुई है और वो सुबह से बहुत घबराई हुई सी लग रही है। आरुषि, isn't she turning 13 soon? हाँ भाई, बट इस बात का उसकी एज से क्या लेना देना है? उसके फर्स्ट पीरियड्स हुए हैं अभी तक। You're right, उसके फर्स्ट पीरियड्स नहीं हुए हैं अभी तक। God, how can I not think of this? अगर उसके फर्स्ट पीरियड्स आए होंगे तो वो कितनी घबराई हुई होगी। अच्छा इंसान भी। अगर हर लड़का तेरे जैसा ऑब्जर्वेंट हो ना, तो किसी भी लड़की के फर्स्ट पीरियड्स कभी अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। ओए, खाना छोड़ के कहाँ जा रही है? राधा के पास, उसे कंफर्म करने कि उसे उसके फर्स्ट पीरियड्स आए हैं या नहीं, कि उसे पैड या किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है। टू हेल्प हर। तू भी बहुत अच्छे इंसान है। बहन किसकी हूँ? क्या हुआ? क्या छुपा रही हो राधा? दिखाओ। तुम पैड्स बनाने की कोशिश कर रही थी? फर्स्ट पीरियड है। किसी ने पहले तुम्हें पीरियड्स के बारे में बताया है? आपको तो पता ही है, माँ को गए हुए 7 साल हो गए और पापा से थोड़ी ना इस बारे में बात कर सकती हूँ। स्कूल में एक फ्रेंड को हो चुका है, उसने बता दिया थोड़ा इस बारे में। पहले तो ये दो मुझे और इसे फेंको, ये हाइजीनिक नहीं है। मैं तुम्हें पैड्स ला कर देती हूँ, वो पहनो और चेंज करने के लिए कपड़े भी। थैंक्स। अरे चाचा, चाय बना रहा हूँ, पियोगे? थैंक यू बेटा, मैं बस राधा को लेने आया हूँ। और हाँ, आपके पापा ने मैसेज दिया, वो थोड़ा लेट आएंगे। ठीक है चाचा। अरे अरे राधा, ये क्या पहन लिया? और पढ़ाई की के नहीं ठीक से? दीदी भैया को परेशान तो नहीं किया? नहीं चाचा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ना अपने पापा को बता देना चाहिए, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम अगर उन्हें बताओगे नहीं तो पापा तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे? बिटिया, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, मुझे पीरियड्स हुआ है। बेटा वो मैं तबीयत ठीक है? याद है, मैं जब भी पापा से लड़ जाती थी यहीं आकर बैठ जाती थी और सिर्फ आपको पता होता था कि मैं यहाँ मिलूंगी। और तुम हमेशा कहती थी बेस्ट छुपने की जगह। आप क्यों छुप रहे हैं? राधा वो राधा को उसके फर्स्ट पीरियड्स हुए हैं आज। आज उसकी माँ की बहुत याद आ रही है। वो होती तो सब कुछ अच्छे से संभाल लेती और वो नहीं है चाचा, और अब सब कुछ आपको संभालना। राधा को भी और अपने आप को भी। मेरी बिटिया क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? बाप ने कुछ सुना भी नहीं और भाग गया। बिटिया मेरी तो तुमसे भी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं है। सच तो ये कि मुझे कुछ पता ही नहीं है महावारी के बारे में। गांव में भी कभी किसी ने बताया ही नहीं और माँ ने भी हमेशा छुपाया और बीवी ने भी। आदमियों से इस बारे में बात नहीं करते। बचपन से यही तो सिखाया है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है अगर मैंने सीखा होता तो राधा को समझा पाता ना। सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है चाचा। सोचिए अगर आप इतना घबराए हुए हैं तो राधा कितना घबराई हुई होगी। उसने पीरियड्स के बारे में सुना है पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। फर्स्ट पीरियड्स हमेशा मुश्किल होते हैं। जब आपके अपने साथ ना हो तो और भी मुश्किल। और राधा इस वक्त क्या महसूस कर रही होगी ये मुझसे ज्यादा और अच्छे से कौन समझ सकता है। मेरी खुद की मॉम को गए हुए 12 साल हो चुके हैं चाचा। मेरे पापा और भाई ने आज तक मुझे उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आपको पता है मुझे भी पीरियड्स के बारे में मेरे पापा ने ही बताया था। लेकिन बिटिया मुझे तो मैं बता देती हूँ अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहते हैं तो। देखिए चाचा हम लड़कियों को ना हर महीने पीरियड्स होते हैं। किसी किसी का साइकिल 24 दिन का होता है तो किसी किसी का 28 दिन का। किसी किसी को पेट में बहुत दर्द होता है, किसी किसी को बैक में। किसी को चॉकलेट खाने का मन करता है तो किसी को जंक फूड खाने का मन करता है। पर इस समय साफ पैड्स यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम लड़कियां इन्फेक्शन से लड़ रही होती हैं। तो जितनी सफाई सब कुछ उतना ही आसान हो जाता है। हॉट वाटर बॉटल से बहुत आराम मिलता है और अगर इसमें पापा प्यार से सर पे हाथ फेर दें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब बातें मैं खुद भी राधा को बता सकती थी पर अगर आप उसे ये सब बताएंगे तो उसे ये भी समझ आएगा कि पीरियड्स कुदरती होते हैं। तो इन्हें छुपाने की या इनसे शर्म महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू बिटिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। समझने की कोई उम्र नहीं होती और समझाने वाले की भी कोई उम्र नहीं होती। तो चले क्योंकि राधा को भी समझाना है। राधा मुबारक हो मेरी छोटी सी बिटिया जो अब बड़ी हो रही है। मैं प्रॉमिस करता हूँ तू जब भी परेशान होगी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग कहोगे कि पापा से ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए पर अगर आप पापा को नहीं बताओगे तो पापा आपका ख्याल कैसे रखेंगे। आधी जनता को पीरियड्स होते हैं, हर महीने होते हैं और अगर पीरियड्स ना हो ना तो ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। तो जब इतना सब कुछ इन पीरियड्स पर डिपेंडेंट है तो इन पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। 2023 में जिंदगी चल रही है यार। अगर हम आज भी पीरियड से शर्माएंगे तो जिंदगी में क्या ही कर पाएंगे। इसलिए पीरियड से शर्म निकालना बहुत जरूरी है और हमें सब्सक्राइब करना भी। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे पापा जैसे कई सारे पापा को कैसे पता चलेगा कि अपनी 13 साल की बेटी की फर्स्ट पीरियड कैसे संभाले। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और कंटेंट का कीड़ा के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज